इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरी से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने करीबी शहर कबीरवाला में और वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और आज हम देखने जा रहे हैं मेला, उसको हम लोग सांग भी कहते हैं भाई। सांग लगा हुआ है हमारे करीबी शहर कबीरवाला में और मेरे साथ ये दो दोस्त भी मौजूद हैं, इस तरफ हैं फहीम भाई और इस तरफ हैं हमजा भाई। मेला इसी पे अभी जा रहा हूँ, अच्छा। पहले नहीं गया, अभी जाते हैं तो पता चलेगा। लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला है। मैंने भी सुना है कि 5 टांगों वाली गाय उधर आई खड़ी है और 6 टांगों वाली भैंस आई हुई है, ये आपने देखी है? आप मेले देखते रहते हो जी भाई? ये है तो सही मगर ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये तो छोटी सी। वहाँ पर चिड़ियाघर जो है उसकी भी सैर करेंगे, लकी रानी सर्कस की भी सैर करेंगे और इसके अलावा और क्या चीज है भाई? बहुत चीज है, वो झूले वगैरह सब, मेला पूरा एंजॉय करेंगे। आपने वो देखा है गर्दन कटी हुई आदमी है? नहीं, वो भी इधर है मगर वो झूठ है। चलो जाके देखते हैं ना, झूठ है या हकीकत, वो अभी पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। ठीक हो गया भाई, भाई चलें फिर। चलें भाई भाई, मगर एक बात है, हाँ? मेले का सुनकर मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, बहुत सॉन्ग याद। अच्छा, क्या कमाल है, हमें भी सुना दो यार। सुनाओ यार, मुझे बहुत ज्यादा आता तो नहीं है मगर थोड़ा सा आता, सुना देता। जितना आता सुना दे, कोई बंदा नहीं रोकने वाला। फड़ कुंजियां ते सांभला ते जोरियां। या अल्लाह खैर। तो भैया जी हो जाएं तैयार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेले का बाजार और वहां पर जो माहौल होगा वो आज हम आपको सारा दिखाएंगे। सबसे पहले पेट्रोल डलवा लें ताकि पेट्रोल खत्म ना हो जाए एंजॉय करते करते। तो हमने सफ़र करना है तकरीबन 17 किलोमीटर का। सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मेले वाली जगह पर। हर जगह पर रश ही रश है। इस तरह के मौके पर हमें अपनी जेब की हिफाजत खुद करना पड़ती। मेले वाली जगह पर पहुंच चुके हैं और इस तरफ हमने अपनी बाइक्स खड़ी की हैं और अभी पीछे मेला है, वहां पर शायद हमारी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो, पता यहां पर किस तरह रिकॉर्ड हो रही है। तो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या माहौल है।
Thank you.